इंदर कुमार गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन सफर पर। करीब एक हफ्ते तक बीमार रहने के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इंदर कुमार गुजराल का निधन हो गया। वो अप्रैल 1997 से मार्च 1998 यानी कुल 11 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 12वें प्रधानमंत्री थे वो देश के। देवगौड़ा के बाद वो देश के 12वें प्रधानमंत्री बने थे और सीताराम केसरी ने एक बड़ी भूमिका उनको प्रधानमंत्री बनने में निभाई थी। हालांकि सीताराम केसरी के कहने पर ही 11 महीने बाद उनकी सरकार चली गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार में भी वो मंत्री रहे थे। 1975 में जब आपातकाल का दौर था तब वो देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्री भी वो रहे, देवगौड़ा के समय भी रहे और संसदीय कार्य मंत्री का भी उन्होंने कार्यभार बखूबी संभाला था। 1980 में वो कांग्रेस को छोड़कर जनता दल में शामिल हुए थे। एक लंबा अरसा उन्होंने कांग्रेस में बिताया था। जलंधर से वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके थे। इसके अलावा पटना से भी एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। राजनीति की शुरुआत इंदर कुमार गुजराल ने दिल्ली नगर निगम से की थी और ये करीब 60 के दशक का दौर था।